अब हम चल पड़े हैं सिसु विलेज, सुसुनी सिसु विलेज। यहाँ सुनने में आया कि हमें बहुत एडवेंचरस एक्टिविटी होती हैं, तो हम फाइनल देखेंगे कि ये विलेज कैसा है। और ये हम फाइनली सिसु विलेज पहुंच चुके हैं। बहुत अच्छा नज़ारा लग रहा है यहाँ पे देखने का। इसका काफ़ी पेड़ हैं और सामने देखिए जो मुझे दिख रहा है झरना बह रहा है। इसको मैं आगे चल के बहुत और क्लोज से दिखाऊंगा आप लोगों को। बहुत नाइस वेदर हो रहा है, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट हैं यहाँ पे और बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं, बड़े बड़े पहाड़, बाइकर्स भी हैं। एकदम मस्त लग रहा है। ये देखिए कितना प्यारा वाटरफॉल है यार, मतलब मज़ा आ गया। वाओ, यहाँ पे कैंपिंग भी होती है और यहाँ पे कैंप लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा। गाड़ियाँ हैं, बहुत बड़ा स्पेस है, पहाड़ ही पहाड़ दिख रहे हैं और हवा इतनी तेज, मतलब आप देख सकते हो कितनी तेज़ हवा चल रही है। और फिर हम डिसाइड करते हैं थोड़ा आगे चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और यहाँ पे क्या क्या है। तो अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे आगे देखते हैं अब क्या क्या मिलेगा हमें। और यहाँ पे और हमें फाइनली देखो क्या मिलता है, बहुत ज़्यादा पानी। यहाँ पे बोटिंग होती है और बहुत गहरा पानी है यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा पानी है। कितना प्यारा व्यू लग रहा है यार, मतलब मज़ा आ गया देख के। और अब मैं फाइनली यहाँ पे करता हूँ कुछ एक्टिविटी, जैसे इस पहाड़ पे चढ़ता हूँ। डर तो लग रहा था लेकिन एक्टिविटी भी करनी थी। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे पहाड़ पे चढ़ना। यहाँ पे मैं कुछ ना कुछ एक्टिविटी पक्का करूँगा, ये सबको हाय बोल रहा हूँ। वीडियो रिकॉर्डिंग है, आ जाओ आ जाओ, इधर रखो पैर, चलो 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 ऊपर, अच्छा। वो फाइनली अब ऊपर पहुंच गए और बहुत तेज हवा चल रही है यहाँ पे। कैसे कैसे करके मैंने मनीषा को हिम्मत दिला के इसके भी ऊपर अपने साथ ले आया। अब यहाँ के थोड़े से हम शूट फोटो शूट,
और अब हम यहाँ से चलेंगे आगे की ओर। यहाँ हमने काफ़ी इंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, बहुत ठंडा पानी था। और अब हम यहाँ पे यहाँ से चलेंगे आगे की ओर, आगे देखते हैं और क्या नज़ारे हैं। और अब हम फाइनली यहाँ पे पहुँच जाते हैं एक चंद्रभागा नदी के पास। यहाँ से एक साइड में रोप लगी है दूसरी साइड जाने के लिए, इसे पता नहीं क्या कहते हैं, बट बहुत स्कैरी था, हिम्मत नहीं करने की। अब बहुत अच्छा व्यू लग रहा था, मतलब बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लग रहा था। यहाँ पे हमने एक छोटा सा घर जैसा था, यहाँ इसके अंदर हम गए, यहाँ पे थोड़ी सी एक्टिविटी करी, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया करके, देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। ओ भाई, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये यहाँ पे ये अंकल को पूरा बांध दिया अच्छे से। अब ये जाएंगे उस साइड, क्या मस्त लग रहा है, वाह। ये देखिए कि इस रोप से इस साइड जा रहे हैं, जो इतनी बड़ी नदी है, इतनी मतलब बहुत ज़्यादा गहरा पानी होगा, बहुत ज़्यादा फ्लो होगा। वह देख सकते हैं सामने से पतली साइड गए हैं, बहुत स्कैरी था ये। अब लगी है भूख और हम सोच रहे हैं कि अब हम यहाँ पे खाएंगे मैगी। और यहाँ मैं ऑर्डर देता हूँ भैया को कि भैया मैगी बना दो, वेज मैगी। और अब यहाँ हम करेंगे टेस्ट मैगी का, बट बहुत महंगी मैगी है यहाँ पे, 50 रुपीज़ की पड़ी हमें जो मैगी, 14 रुपीज़ की आती है, 15-50 रुपये देना पड़े उस मैगी के। हाँ, ऊपर जाके थोड़ी रेट तो हाई हो ही जाते हैं, बट ऑल गुड, मैगी टेस्टी थी खाने में, अच्छा लगा। तो फाइनली एंजॉय करने के बाद, एडवेंचर सिटी देखने के बाद, हम जा रहे हैं अपने होटल। और ये हरविंदर बस है, इसको देख के मनीषा बहुत खुश हुई, बिकॉज़ जहाँ से हम हैं हमीरपुर, ये वहाँ से आई थी बस, हमने इस बस के ड्राइवर को हायर भी किया। काफ़ी ओवरऑल बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा व्यू था, हर एक्टिविटी हमने देखी। ये इंडियन आर्मी के ट्रक जा रहे हैं यहाँ पे, जय हिंद इंडियन आर्मी। कमेंट करके आप जो लिखें जय हिंद, बहुत मज़ा आया, काफ़ी अच्छा ओवरऑल एक्सपीरियंस था। बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, बस इट्स ऑल राइट एट द एंड, हमें काफ़ी अच्छा लगा। आप कमेंट करके जो बताएं, सबसे पहले जो जय हिंद लिखें और फिर बताएं कि आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, और सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।